असल गुरु जी, यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की जो विधि लेके आया हूँ वह है कपड़े पे, किसी इंसान के कपड़े पे, किसी स्त्री के, पुरुष के, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी के कपड़े पे यदि आप यह मंत्र लिखकर जला देते हैं तो वह आपके वश में हो जाएगा, और वह कपड़ा उसके अंडरगारमेंट का हो तो अति उत्तम रहेगा। आगे की विधि जाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटली में मंत्र बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। किस दिन करना है? संडे के दिन, रविवार के दिन आप इस कार्य को करें। रात्रि के 11 बजे के बाद करना है आपको। आपको कपड़ा ले लेना है और कोई भी स्केच मार्कर ले लेना है आपको। सबसे पहले आपको उस इंसान का नाम लिखना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। नाम मान लीजिए अमन, आयु यानी कि उम्र 22 वर्ष लिख दीजिए। उसके बाद लिखना आपको उसकी माता का नाम, माता का नाम। माता का नाम नहीं पता तो हवा लिख देना है, हवा। उसके बाद आपको जो मंत्र लिखना गया है, मंद मुस्कानी, मंद मुस्कानी अमुक देव भवानी, अमुक देव भवानी, भवानी नहीं भवानी, भानी भानी, ये लिख देना है। और इसका 11 बार जाप भी करना है, मंद मुस्कानी अमुक दे बानी फट, इस मंत्र को। अब कोशिश करें कि उसके अंडरगारमेंट का कपड़ा हो। अब इसे आपको क्या करना है, 3 दिन के लिए अपने तकिए के नीचे रखना है और चौथे दिन आपको इसे जला देना है। जला देने के बाद इसकी जो राख है वह शुद्ध जल में पवित्र प्रवाहित कर देनी है, या किसी गमले में फूलदार कोई भी वृक्ष हो उसकी जड़ों में उसे मिला दे मिट्टी। मित्रों, जिसके लिए आपने ये प्रयोग किया है, वास्तव में वे ये पौराणिक कथाओं से चलता रहे कि कब जब भी किसी स्त्री का कपड़ा चोरी होता, तो आपने देखा होगा कि बच्चे का चोरी होता तो वह बीमार हो जाता है, उस पर कोई नजर या टोना टोटका कर देता, तो ये उसी तरीके का प्रयोग है। लेकिन ये एक तांत्रिक विद्या, मैंने आपको वशीकरण के तरीके से सर उठवा दिया। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप बेझिझक होकर मुझे कॉल पर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है। साथ आपसे जारी जाता हूँ। धन्यवाद।